महीना। आज से हमारा प्रेक्षा मेडिटेशन एंड योग चालू हो रहा है। तो सबसे पहले हम मुद्रा का अभ्यास करेंगे। तो हमें, क्योंकि पोस्चर यदि हमारा अच्छा होगा, मुद्रा यदि हमारी अच्छी होगी, तो हमारे भाव भी अच्छे बनेंगे। कहा जाता है, जैसी मुद्रा वैसा भाव, जैसा भाव वैसा श्राव, जैसा श्राव वैसा प्रभाव, जैसा प्रभाव वैसा हमारा व्यवहार होता है। तो सबसे पहले हम मुद्रा का चुनाव करेंगे। तो आपको कैसे मुद्रा करना है, स्ट्रेट बैठना है, सीधा बैठना है। आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, जैसे जिसकी सुविधा हो। यदि ये ना बैठ सके तो कंफर्टेबल अगर आपको चेयर पे है तो आप स्ट्रेट बैठेंगे, सीधे बैठेंगे, स्पाइनल कोड हमारा एकदम स्ट्रेट रहेगा। और मुद्रा हमारी रहेगी हैंड की ज्ञान मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा है। दोनों हाथ हम नी पे स्थापित करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो हाथ है वो कितना महत्वपूर्ण है, हमारा जो पांचों हाथ, पांचों अंगुली है हाथों की, वो कितनी पावरफुल है। हमें पता नहीं आज तक कि हमारे हाथ में कितनी एनर्जी है। तो हमारा जो थंब है इसमें फायर है, और इंडेक्स फिंगर है इसमें एयर है, ये मिडिल फिंगर है इसमें स्पेस है, और जो लिटिल क्या रिंग फिंगर है इसमें अर्थ है, और लिटिल फिंगर में वाटर है। तो पांचों जब तत्व साथ में मिलते हैं तो कुछ अलग मुद्रा बनती है, उसका प्रभाव अलग होता है। किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो यदि मुद्रा करता है, वो अलग अलग आएगी, आपको मुद्रा बताएंगे, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। किसी को लगता है कि हमको याद नहीं रहता है, हम पढ़ते हैं बहुत है लेकिन याद नहीं रहता है, उसके लिए ज्ञान मुद्रा करते हैं तो उसको याद बहुत जल्दी होने लग जाता है। क्योंकि एक एज होती है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी हमारी विस्मृति होती जाती है, भूलने की आदत होती है, मतलब भूलते जाते हैं। कोई भी वस्तु होती है याद नहीं रहती है, तो हम लंबे समय तक कोई भी वस्तु को याद रख सके उसके लिए ज्ञान मुद्रा बहुत अच्छी मुद्रा है। तो सबसे पहले हम आपको प्रयोग कराएंगे, छोटी छोटी मुद्राओं के माध्यम से हम अपनी बॉडी को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि हेल्दी बॉडी होगी तो हमारा माइंड भी हेल्दी होगा, तो हेल्दी बॉडी होगी तभी हेल्दी माइंड होगा। क्योंकि जब तक हमारी बॉडी में कोई भी तकलीफ होती है तो हम बराबर नहीं, कोई भी प्रयोग नहीं कर सकते, साधना भी नहीं कर सकते। तो हमारी साधना अच्छी चले और हम आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सके, उसके लिए हमें मुद्रा सबसे पहले हम सीखेंगे। तो किसी को खांसी की प्रॉब्लम होती है, किसी को जुकाम की प्रॉब्लम होती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, तो छोटी छोटी मुद्राओं से हम अपने शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि एक प्रकार का स्विच बोर्ड है, जैसे स्विच बोर्ड होता है, आपको ऑन करना है एसी तो आप ऑन भी कर सकते हैं, आपको फैन ऑन करना है फैन भी ऑन कर सकते हैं, वैसे ही हमारे हाथ में भी सब प्रकार के प्राण है, तो हम जो चाहे उसको हम ऑन कर सकते हैं। हाँ, आवाज कोई नहीं करेंगे, सब म्यूट रखेंगे। तो सबसे पहले हम मुद्रा करेंगे शिवलिंग मुद्रा, इसका नाम अंगुष्ठ मुद्रा भी है। क्योंकि अंगुष्ठ मुद्रा ये एक ऐसी मुद्रा है जिस मुद्रा का जो बेनिफिट है वो है जुकाम, किसी को हो खांसी हो, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, श्वास लेने की तकलीफ हो, ये सारी प्रॉब्लम्स इस मुद्रा से ठीक हो जाती है। आपको करना आ गया, दोनों हाथों को साथ में मिलाएंगे। हाँ, आरती बेन एकदम बराबर किया है, सब अपनी अपनी मुद्रा दिखाएंगे। हाँ, करके दिखाए सब। हाँ, अंगूठा सीधा रहेगा और दोनों हाथों को आपको रखना है जो छाती का बीच का भाग है, जिसको आनंद केंद्र कहते हैं, वहां पे रखना है। और 5 मिनट तक आपको, जैसे आज मान लो आपने 1 मिनट स्टार्ट किया, फिर 2 मिनट स्टार्ट किया, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आप अपने समय को 45 मिनट तक भी आप ऐसे रख सकते हैं। और इस मुद्रा से आपको लगने लगेगा कि हाँ, रियल में हमारा जुकाम खांसी अस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो रही है। और आंख बंद करके आप संकल्प करें कि हमारे जो भी आपको अगर लगता है कि हमें
खांसी की प्रॉब्लम है, जुकाम की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो आप संकल्प करेंगे कि हमारा जुकाम ठीक हो रहा है, हमारी अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक हो रही है, हमारी खांसी ठीक हो रही है, तो लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। ये 1 मिनट के लिए आप प्रयोग करिए। अभी आंखें बंद, श्वास मन, सभी की मुद्रा अंगुष्ट मुद्रा रहेगी, दोनों हाथों को छाती के ऊपर स्थापित करें आनंद केंद्र पे। हाँ, ऐसे दोनों हाथों को मिलाए, ऐसे पहले करें, राइट हाथ को ऐसे करें, फिर लेफ्ट हाथ का जो अंगूठा है उसको राइट हाथ में डालें। हाँ, दिख रहा है मेरा बराबर? तो आरती बेन का एकदम सही है और सभी वैसे ही सही कर सकते हैं, कई लोगों का सही नहीं है, वो आप ठीक सीख सकते हैं देख करके। दोनों हाथों को मिलाना है, राइट हाथ को ऐसे करके अंगूठा इसके अंदर डालना है लेफ्ट हाथ का, फिर आपस में मिले रहेंगे, फिर दोनों हाथों को छाती के ऊपर स्थापित करना है जिसको आनंद केंद्र कहते हैं। तो वहां पे आपको 1 मिनट के लिए आपको आप सुझाव देना है, ऑटो सजेशन देना है कि मेरी खांसी की प्रॉब्लम ठीक हो रही है, मेरा जुकाम ठीक हो रहा है, मेरी अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक हो रही है, लंबा गहरा श्वास ले, लंबा गहरा श्वास छोड़े। ये मुद्रा आप सही सीख लेंगे इसको देख करके, और अगर किसी को समझ में ना आया हो तो आरती बेन आपके वहीं पे है, उनके घर जाके भी आप सीख सकते हैं। आपको केवल बस राइट हाथ को ऐसे करना है, फिर लेफ्ट हाथ का अंगूठा इसमें डालना है, फिर अंगुलियों को फंसाना एक दूसरे में, और कुछ भी नहीं, एकदम बहुत ईजी है। हाँ, अब सेकेंड मुद्रा हम करेंगे, प्राण मुद्रा। कई लोग बोलते हैं खाते पीते वीकनेस लगती है, तो खाते पीते हमें कमजोरी लगती है, तो कमजोरी हमारी है वो दूर कैसे हो, उसके लिए जो लास्ट की दो अंगुलियां, लास्ट की रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, ये दोनों अंगुलियों के ऊपर हमें अंगूठा रखना है। फर्स्ट दोनों अंगुली हमारी स्ट्रेट रहेगी, दोनों हाथों को हमें नी के ऊपर स्थापित करना है। नी के ऊपर स्थापित करें दोनों हाथों को, आंखें बंद, श्वास मन, अनुभव करे प्राण शक्ति बढ़ रही है। लंबा गहरा श्वास ले, लंबा गहरा श्वास छोड़े। सभी प्रयोग करेंगे, सीधे बैठेंगे, सीधे बैठे, आंखें बंद, श्वास मान, अनुभव करे प्राण शक्ति बढ़ रही है, इम्प्रूव्स इम्यूनिटी पावर। शरीर के चारों ओर ब्राइट व्हाइट कलर का अनुभव करें और अनुभव करें प्राण शक्ति बढ़ रही है, एनर्जी पावर बढ़ रहा है, बैलेंस द बॉडी एनर्जी, बॉडी की जो एनर्जी है वो बैलेंस में हो रही है। लंबा गहरा श्वास ले, लंबा गहरा श्वास छोड़े। प्रत्येक श्वास के साथ अनुभव करें एनर्जी पावर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एनर्जी लेवल बैलेंस में आ रहा है। बहुत ही अच्छी मुद्रा है, इस मुद्रा को करने से हमारा एनर्जी पावर है वो बैलेंस नहीं होता है, हमारी एनर्जी है वो बढ़ती है, इम्प्रूव होती है। ये प्रतिदिन आप कर सकते हैं, इसको बस इतना ध्यान रखना है कि खाना खाने के बाद तुरंत नहीं करना है, खाना खाने के 1.5 या 2 घंटे के बाद मुद्रा को कर सकते हैं। तो ये दो मुद्रा आपको समझ में आ गई, आज हम केवल दो मुद्रा ही करते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम आगे और मुद्रा करेंगे। तो आज हमने फर्स्ट मुद्रा की थी अंगुष्ठ मुद्रा, सेकेंड मुद्रा हमने की प्राण मुद्रा। तो ये आपको मुद्रा समझ में आ गई, अब हम ध्यान प्रारंभ करेंगे। तो ये बाद में आगे की जो मुद्राएं हैं आपको बाद में बताएंगे, तो ठीक है। अब हम करेंगे ध्यान, आंखें बंद सबकी रहेगी,
इससे पहले ध्यान प्रारंभ करने से पहले एक बार 5 मिनट के लिए हम प्राणायाम कर लें, जिससे हमारा जो भी अंदर भरा हुआ है, जो नेगेटिव थॉट्स वो बाहर निकल जाए, उसके लिए हम एक बार 5 मिनट के लिए ओनली प्राणायाम करेंगे। तो प्राणायाम की विधि क्या है? सीधा बैठना है, हाथों की मुद्रा आपकी प्राण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आपको जो भी अच्छी लगे वो मुद्रा आप चयन कर ले। आंखें बंद रहेगी और हम स्पष्ट करेंगे, क्या करेंगे, एक बार श्वास को छोड़ेंगे। हाँ, अब हम राइट नोस्ट्रिल जो है उसको बंद करेंगे, लेफ्ट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे श्वास 5 टाइम्स। लेफ्ट से ले, लेफ्ट से छोड़े 5 टाइम्स। लंबा गहरा श्वास ले, लंबा गहरा श्वास ले। अब राइट को, अब लेफ्ट को बंद करें, राइट से ले, राइट से छोड़े 5 टाइम्स। राइट से ले, लेफ्ट से छोड़े, लेफ्ट से ले, राइट से छोड़े, अल्टरनेट ब्रीदिंग। अब दोनों नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। दोनों नोस्ट्रिल से श्वास ले, मुंह से छोड़े श्वास को, और मन में संकल्प करते जाए, नेगेटिव थॉट्स मुंह के माध्यम से बाहर निकलते जा रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव एनर्जी भीतर प्रवेश कर रही है, नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है। उस भाव से 5 टाइम्स करेंगे। इस प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, यानी नाड़ी में कहीं पर भी एनर्जी ब्लॉकेज हो, कहीं पर भी नेगेटिव एनर्जी हो, ये प्राणायाम करते हैं, इससे नेगेटिव जो एनर्जी होती है बाहर निकलती है और पॉजिटिव एनर्जी हमारी बॉडी में प्रवेश करती है। तो बहुत अच्छा प्राणायाम है, आज तो हमने थोड़ा सा किया, इसको आप लंबा बढ़ा सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले, बस खाना खाने के बाद 1.5-2 घंटे के बाद ही करना है, तुरंत नहीं करना है। जब आपको लगे कि 2-3 घंटा खाना खाने के हो गया है, तो आप जब चाहे 5 मिनट के लिए कर ले, 2 मिनट के लिए कर ले,
अभी जैसे हमने पांच पांच आवृत्ति की, वैसे आप दस दस भी कर सकते, पंद्रह पंद्रह भी कर सकते, धीरे धीरे बढ़ाना है कोई भी प्रयोग हो तो। ये धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आप बहुत लंबे समय तक भी कर सकते हैं। तो आज हमने ये नाड़ी शोधन प्राणायाम किया, अब हम ध्यान प्रारंभ करते हैं। सब ध्यान के लिए तैयार हो जाए। हाँ, तो सबसे पहले हम ध्यान हम प्रारंभ करेंगे ओम साउंड से। पूरा श्वास भरे, एक श्वास में हमें एक ओम करना है। श्वास पहले भरेंगे, फिर जैसे जैसे हम ओम बोलते जाएंगे सहज ही श्वास छूटता जाएगा। जितना आप लंबा श्वास भरेंगे इतनी ओम की साउंड लंबी होगी। ओम एक ऐसा पावरफुल मंत्र है जिसमें पंच परमेष्टि है। नवकार मंत्र का जाप करते हैं वैसे ही ओम करने से भी आपका पूरा पंच परमेष्टि का जाप हो जाता है। तो ओम मंत्र करने से हमारा जो ब्रेन पावर है वो बहुत स्ट्रांग होता है। 80 ईयर ओल्ड होने के बाद भी हमारा ब्रेन जो 40 साल में काम करता है वैसा ही 80 ईयर ओल्ड होने के बाद भी वैसा ही काम करता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हम सबको कहा था अभी से ओम की साउंड एवरी डे आधा घंटा शुरू कर दो, जिससे अभी जो ब्रेन काम करता है 80 साल होने के बाद भी, यानी 80 ईयर ओल्ड होने के बाद भी वैसा ही ब्रेन हमारा स्ट्रोंग रहे, पावरफुल रहे, उसके लिए ओम साउंड बहुत ही अच्छी है। तो आप ध्यान न कर सके तो कम से कम आप घर में 3 बार ओम की साउंड के सुबह 10 मिनट करें, दोपहर में 10 मिनट करें, सोने से पहले 10 मिनट करें, तो 10-10 मिनट, क्योंकि डॉक्टर भी क्या कहता है आपको सुबह शाम दोपहर एक टेबलेट खाना है। तो एक प्रकार की ब्रेन को स्ट्रोंग करने के लिए, ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए ओम साउंड आपके लिए टेबलेट का काम करेगा। इससे आपका ब्रेन पावर इतना पावरफुल होगा आपको लगेगा हाँ पहले कितनी बार हम पढ़ते थे तो भी याद नहीं होता था, ओम की साउंड जब से प्रारंभ की है तब से हमें बहुत जल्दी याद होने लगा है। तो आप ये ना सोचे कि हम ओल्ड हो गए अब हमारा इंक्रीज नहीं हो सकता है, अभी भी हो सकता है। ये वॉशिंग है, अंदर का वॉश होता है जिससे हमारा क्या होता है न्यूरॉन्स होता है वो एक्टिव होता है। क्योंकि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, एक बार न्यूरॉन्स डेड हो जाते बाद में एक्टिव होना मुश्किल होता है, लेकिन ये ओम के साउंड करते रहे तो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो डेड नहीं होते, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उसको एक्टिव करने के लिए ओम की साउंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रतिदिन ओम की साउंड करने से आपका पंच परमेष्टि का जप भी हो जाता है, मेडिटेशन भी हो जाता है, प्लस आपको लाभ होता है, ब्रेन भी स्ट्रोंग होता है। और ओम की साउंड में पंच परमेष्टि होने से कर्मों की निर्जरा भी होती है। तो कर्मों की निर्जरा भी होगी, आध्यात्मिक दृष्टि से लाभ ये होगा कर्मों की निर्जरा, और व्यवहारिक दृष्टि से हमारा ब्रेन है बहुत ही अच्छा रहेगा। जिसका ब्रेन अच्छा होता है उसकी बॉडी भी अच्छी होती है। तो ब्रेन हमारा अच्छा होगा तो हमारी बॉडी भी एकदम एनर्जेटिक रहेगी। तो हमारी बॉडी लंबे समय तक एनर्जेटिक रहे उसके लिए ब्रेन हमारा पावरफुल रहे उसके लिए, और कर्मों की निजरा हो उसके लिए हम ओम की साउंड आज हम शुरू करते हैं। 9 टाइम्स हम ओम की साउंड करेंगे। आंखें बंद, श्वास मन, श्वास भरे, ओ श्वास भरे, ओ श्वास भरे, ओ
सांस भरे, 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 शाम संपेखे आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे, स्वयं स्वयं को देखे, अपनी आँख को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। आंखें बंद, श्वास मन, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा, एक ही पोजीशन में बैठने की कोशिश करेंगे। जिस पोजीशन में आप लंबे समय तक बैठ सकते उस पोजीशन का आप चुनाव करेंगे। आंखें बंद, श्वास मन, चित्त को राइट पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। सुझाव दें, राइट पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया। इसी प्रकार अंगुलियां, पंजा, तलवा, एंकल्स, काफ, नी, थाई, स्टमक, कमर का भाग, दोनों लंग्स,
हार्ट छाती का भाग, कंठ का भाग, पीठ का भाग, दोनों हाथ, पूरा फेस। अनुभव करें अंगूठे से लेकर ब्रेन तक, पूरी बॉडी रिलैक्स 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 हो रही है। हलन चलन नहीं, आंखें बंद, श्वास मन। इसी प्रकार लेफ्ट पैर के अंगूठे से लेकर ब्रेन तक, क्रमशः एक-एक अवयव पर चित्त को ले जाए, शिथिलता का सुझाव और उसका अनुभव, कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग के दो अर्थ होते हैं, शरीर का शिथिलीकरण और चैतन्य के प्रति जागरूकता। चैतन्य में अपनी आत्मा के प्रति जागरूकता। पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है और अपनी आत्मा के प्रति अवेयर रखना है। अनुभव करें पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। जो भी स्ट्रेस है, तनाव है, सब दूर होते जा रहे हैं। आपकी बॉडी में कहीं पर भी पेन हो, दर्द हो, वहां अपने चित्त को केंद्रित करें और सुझाव दें कि मेरा पेन, मेरा दर्द ठीक हो रहा है, बॉडी स्वस्थ हो रही है। आपको लगे प्राण शक्ति कम है तो प्राण शक्ति का सुझाव दें। आपको लगे कि हेडक में पेन है, हेडेक को सुझाव दें। जो भी आपको लगे, जहां भी आपको दर्द की अनुभूति होती हो, वहां पे अपने चित्त को केंद्रित करें और सुझाव दें, मेरी बॉडी निरोगी हो रही है, मैं स्वस्थ हो रही हूं। शरीर को स्वस्थ रखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम साधना कर सके। यदि बॉडी हमारी स्वस्थ नहीं होगी तो हम स्वाध्याय भी नहीं कर पाएंगे, आत्मा का कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम ध्यान के माध्यम से बॉडी को स्वस्थ करते हैं, उसके बाद हम स्लोली स्लोली आत्म साक्षात्कार तक, जो हमारा लक्ष्य है वो हमें पहुंचना है। तो पहले बॉडी को रिलैक्स करें और सुझाव दें, बॉडी में जहां कहीं पर भी दर्द की अनुभूति होती हो वहां केंद्रित करें अपने चित्त को, सुझाव दें, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। लंबा गहरा श्वास ले,
लंबा गहरा श्वास छोड़े। प्रत्येक श्वास के साथ सुझाव दे, सजेशन दे, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। शरीर का कण कण स्वस्थ हो चुका है। आई एम अ पावरफुल सोल। आई एम अ पावरफुल सोल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरे भीतर अनंत शक्ति का खजाना भरा हुआ है। आप अपने ब्रेन को मैसेज दे, मेरे भीतर अनंत शक्ति का खजाना है। मैं अनंत शक्ति संपन्न आत्मा हूं। लंबा गहरा श्वास ले, लंबा गहरा श्वास छोड़े। अनुभव करे, मैं अनंत शक्ति संपन्न आत्मा हूं। अनुभव करे, ब्रह्मांड से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रवेश कर रही है। आई एम अ पावरफुल सोल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। लंबा गहरा श्वास ले, लंबा गहरा श्वास छोड़े। प्रत्येक श्वास के साथ अनुभव करे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरे भीतर अनंत शक्ति है। वो शक्ति हमारी अनादि काल से सोई पड़ी है, उसको हमें ध्यान के माध्यम से जागृत करना है। लंबा गहरा श्वास ले, लंबा गहरा श्वास छोड़े। प्रत्येक श्वास के साथ सुझाव दे, मेरी आत्मा की शक्ति जागृत हो रही है। मैं अनंत शक्ति संपन्न आत्मा हूं। शरीर का एक एक पार्ट शक्ति से भर चुका है। पूरी बॉडी एनर्जेटिक हो चुकी है। शरीर में जो दर्द था, पेन था, वो भी धीरे धीरे करके दूर होता जा रहा है। बॉडी पूर्ण रूप से स्वस्थ होती जा रही है।
आई एम अ पावरफुल सोल। सेकेंड सुझाव दे, आई एम अ पीसफुल सोल। मेरे भीतर अनंत शांति है, कण कण में शांति का अनुभव करें। शांति निकेतन में आप सब रहते हैं, आप सब शांति का अनुभव करें कि हमारे कण कण में शांति उतर रही है। मन में भी शांति, तन में भी शांति। मन में शांति होती है तो तन में शांति अपने आप आ जाती है। मानसिक शांति का संकल्प करें, मेंटल रूप से पूरे पीस है, जिसके कारण हमारी बॉडी भी पीस है, कण कण में शांति का अनुभव करें। लंबा गहरा श्वास ले, लंबा गहरा श्वास ले। पूरा वातावरण शांत हो चुका है, कण कण में शांति का अनुभव करें। पूरा एनवायरनमेंट पीस हो चुका है, बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है। अनुभव करें अपने सामने अपने इष्ट की कल्पना करें, जो भी आपके गॉड है उसकी कल्पना करें। उनके ओरे को देखें, उनका ओरा कितना पावरफुल है और वहां से कितनी शांति टपक रही है। वैसे ही हम अपने ओरा को भी पावरफुल बनाएं, पवित्र बनाएं। अनुभव करें, मेरा ओरा प्योर हो रहा है। मेरा ओरा प्योर हो रहा है। जैसे महापुरुष होते हैं, उनके सिर के पीछे कैसे ओरा होता है, पूरी बॉडी के चारों ओर ओरा होता है। जिसका ओरा स्ट्रोंग होता है, प्योर होता है, उसको दूसरी शक्तियां कोई प्रभावित नहीं कर सकती है। इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रोंग हो जाता है, बाहर के कीटाणु भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अपनी रक्षा हम खुद कर सकते हैं, अपने ओरा को हम स्ट्रोंग कर लें। लंबा गहरा श्वास ले, लंबा गहरा श्वास ले।
शरीर के चारों ओर ब्राइट व्हाइट कलर को देखिए। सफेद कलर शुक्ल ध्यान का प्रतीक है। जब शुक्ल ध्यान करते हैं ब्राइट व्हाइट कलर का ध्यान किया जाता है। पूरी बॉडी के चारों ओर ब्राइट व्हाइट कलर को देखें। आंखें बंद करके अनुभव करें, शरीर के चारों ओर ब्राइट व्हाइट कलर फैल चुका है। हमारा ओरा भी ब्राइट व्हाइट कलर से भर चुका है। जब हम हमारे भाव प्योर होते हैं तब हमारा ओरा भी प्योर होता जाता है। श्वास ले, अनुभव करें, पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश कर रही है। श्वास छोड़े, अनुभव करे, नेगेटिव थॉट्स से बाहर जा रहे हैं। श्वास ले, श्वास छोड़े। अनुभव करें अंगूठे से लेकर ब्रेन तक पूरी बॉडी एनर्जेटिक बन चुकी है। आभा मंडल भी हमारा पवित्र बन चुका है। कण कण में शांति का भी अनुभव हो रहा है। बहुत ही आनंद आ रहा है। शांति का अनुभव भी हो रहा है। शक्ति का, शांति का, आनंद का अनुभव करें। हमारे भीतर अनंत शक्ति है, वैसे ही अनंत आनंद है, अनंत शांति है, अनंत सुख है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारा लक्ष्य है। हमारे भीतर अनंत शक्ति का, अनंत शांति का, अनंत आनंद का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। दो तीन लंबे गहरे श्वास ले, लंबे गहरे श्वास छोड़े। शक्ति से भरे हुए श्वास ले, शांति से भरे हुए श्वास ले, आनंद से भरे हुए श्वास ले। दो तीन लंबे गहरे श्वास ले, लंबे गहरे श्वास छोड़े। धीरे धीरे प्रयोग संपन्न करें। आंखें खोले, प्रयोग संपन्न करें। दोनों हाथों से हथेली को पहले गर्म करेंगे, फिर मुंह के ऊपर फेरेंगे। जो भी शक्ति प्राप्त की है वो अपने सिर के ऊपर डाल दें। प्रयोग संपन्न, ओम अरहं।